नमस्कार दोस्तों, BR07 न्यूज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट पर एक बार फिर से इतिहास रचा गया है और जिस पल का इंतजार दरभंगा वासियों को कब से था, फाइनली वो पल अब आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी हुई तमाम इंडियो की तस्वीरें एवं वीडियो दिखाने वाले हैं। और अभी अभी कुछ ही देर पहले दरभंगा एयरपोर्ट पर इंडिगो ने लैंडिंग की है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि दरभंगा एयरपोर्ट पर शानदार तरीके से लैंडिंग कर चुकी है इंडिगो। और इंडिगो का इंतजार लंबे समय से हो रहा था, अब जाकर दरभंगा एयरपोर्ट पर एक नहीं बल्कि दो दो बड़ी विमानन कंपनी अपनी सेवा देने के लिए तैयार हो चुकी है। इंडिगो आने से सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों को हुई है जो हमेशा सफर करते हैं फ्लाइट से। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से स्पाइसजेट पहली बार आए थे तो उनका स्वागत जिस भव्य तरीके से किया गया था, बिल्कुल उसी तरीके से दरभंगा एयरपोर्ट पर इंडिगो का भी स्वागत किया गया है। जिसके साथ हम आपको बता दें कि इंडिगो आते ही कई बड़े सारी योजना को आरंभ कर दिया था। और चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट हो या फिर कोई अन्य जगहों से कनेक्टिंग फ्लाइट की अगर बात करें, तो इंडिगो दरभंगा एयरपोर्ट आने से पहले ये बता चुका था कि हम कई टक्कर देने वाले हैं स्पाइसजेट को। जी हाँ दोस्तों, वहीं हम मिथिलावासियों की अगर बात करें आप सबों के बीच, तो मिथिलावासी दरभंगा की इस उपलब्धि से और भी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जिस तरह से दरभंगा विकसित हो रहा है और बिहार के सबसे मुख्य शहरों के सूची में आ सकता है अब आने वाले दिनों में। और लगातार दरभंगा एयरपोर्ट से लेकर कई सारी योजनाएँ दरभंगा में बन रही है, जैसे एम्स को ही देख लें। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से दरभंगा एयरपोर्ट पर इंडिगो ने अपना कदम रख चुका है और इसी तरीके से उम्मीद है कि आगे भी यहां से भारी मात्रा में यात्रियों की संख्या दरभंगा एयरपोर्ट से इंडिगो तक सफल करेगी और इंडिगो से सफर कर सकेगी। साथ ही अब देखने वाली बात यहां पे ये होगी कि किस तरह से स्पाइसजेट और इंडिगो के बीच कड़ी टक्कर होती है और दोनों ही यात्रियों को लुभाने के लिए कौन कौन सी तरकीब आजमाते हैं, और ये दरभंगा एयरपोर्ट के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। तो दोस्तों, हम लेंगे आपसे विदा, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। और दरभंगा से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब